दोस्तों आपका स्वागत है स्टॉक एंड इंडेक्स ट्रेडिंग चैनल पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। आज हम बात करेंगे ट्रेंड लाइन्स के बारे में और उसे ट्रेडिंग में कैसे इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में। हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि ट्रेंड लाइन के साथ ऑप्शंस को कैसे ट्रेड किया जाता है, तो ये वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, ट्रेंड लाइन्स को हायर स्विंग लोज और लोअर स्विंग हाइज को जॉइन करके बनाया जाता है। जब हम हायर स्विंग लोज को कनेक्ट करते हैं तब हमें अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन मिलती है, और जब हम लोअर स्विंग हाइज को कनेक्ट करते हैं तो हमें डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन मिलती है। चलो अब जानते हैं ट्रेंड लाइन्स को कैसे ड्रॉ करें और कौन सी चीज़ों का ध्यान रखें। ट्रेंड लाइन बनाने के लिए हमें कम से कम दो महत्वपूर्ण स्विंग पॉइंट्स को जॉइन करने का होता है। हमें सिर्फ महत्वपूर्ण स्विंग पॉइंट्स पर ही ध्यान देना है। हमें जब भी दो महत्वपूर्ण स्विंग पॉइंट्स मिल जाए तो हमें ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी होती है और उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा स्विंग पॉइंट्स को कनेक्ट करने का होता है। दोस्तों, ट्रेंड लाइन बनाने के लिए हम कैंडल की बॉडी और विक दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलो अब जानते हैं ट्रेंड लाइन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। दोस्तों, प्राइस जितनी बार ट्रेंड लाइन को टच करके घूमेगी उतनी ही वो ट्रेंड लाइन महत्वपूर्ण हो जाएगी, क्योंकि जब भी वो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन आएगा वो मार्केट में एक बड़ा मूव क्रिएट करेगा। जब भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आने वाला होता है, स्टॉक या फिर इंडेक्स की कीमतें ट्रेंड लाइन के आसपास ही घूमती है और ट्रेंड लाइन को बहुत ही कम समय में बहुत ज़्यादा बार टच करती है। ट्रेंड लाइन स्टॉक एंड इंडेक्स की कीमतों के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करती है। जब ट्रेंड लाइन्स कीमतों के लिए रेजिस्टेंस का काम कर रही होती है और उसका ब्रेकआउट आता है तो वह ट्रेंड लाइन फिर सपोर्ट बन जाती है, और जब कोई ट्रेंड लाइन कीमतों के लिए सपोर्ट का काम कर रही होती है और उसका ब्रेकडाउन आता है तो वह ट्रेंड लाइन फिर रेजिस्टेंस का काम करना चालू करती है। चलो अब जानते हैं ऑप्शंस को ट्रेंड लाइन के साथ कैसे ट्रेड किया जाता है। दोस्तों, हमें कम से कम दो स्विंग पॉइंट से ट्रेंड लाइन बनानी होती है, तो जब भी आपको दो स्विंग पॉइंट्स मिल जाए तो उससे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें। अगर ऊपर जाती हुई ट्रेंड लाइन है तो हमें जब भी प्राइस तीसरी बार वो ट्रेंड लाइन को छुए तो हमें कॉल ऑप्शन खरीदने का होता है, और स्टॉप लॉस हमें जो कैंडल तीसरी बार ट्रेंड लाइन को छू रही है उसका लो रखने का होता है। अगर नीचे जाने वाली ट्रेंड लाइन है तो हमें प्राइस तीसरी बार वो ट्रेंड लाइन को छूए तब तक इंतज़ार करने का होता है। जब प्राइस तीसरी बार वो ट्रेंड लाइन को छूए हमें पुट ऑप्शन खरीदने का होता है, और स्टॉप लॉस हमें जो कैंडल ट्रेंड लाइन को तीसरी बार छू रही है उसका हाई रखने का होता है। दोस्तों, दूसरा तरीका है पुलबैक ट्रेड्स। स्टॉक या इंडेक्स जब भी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन देते हैं वो उस ट्रेंड लाइन को फिर से एक बार छूने को आते हैं, और तब हम कॉल या फिर पुट ऑप्शन खरीद सकते हैं। चलो जानते हैं कैसे। दोस्तों, प्राइस जब भी ऊपर जाने वाली ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन देती है वो एक बार ज़रूर वो ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करने आती है और जैसे कि हमने बताया था, जो ट्रेंड लाइन पहले सपोर्ट का काम करती है वो ब्रेकडाउन के बाद रेजिस्टेंस बन जाती है। तो फिर हमें जब भी प्राइस वो ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करने आती है, हमें पुट ऑप्शन खरीदने का होता है और स्टॉप लॉस हमें जो कैंडल ट्रेंड लाइन को टच कर रही है उसका हाई रखने का होता है। दोस्तों, जब भी नीचे जाने वाली ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आता है तो प्राइस एक बार ज़रूर वो ट्रेंड लाइन के पास रिटेस्ट करने आती है। और जैसे कि हमने जाना है कि जब भी नीचे जाने वाली ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आता है तो वो रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाता है। दोस्तों, तब हमें जब भी कीमतें रिटेस्ट करने आए तो हमें वहाँ पे कॉल ऑप्शन ख़रीदने का होता है और स्टॉप लॉस जो कैंडल वो ट्रेंड लाइन को छू रही है उसका लो रखने का होता है। दोस्तों, आप ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल 15 मिनट, 1 घंटा, एक दिन या फिर वीकली कोई भी चार्ट पर कर सकते हो, लेकिन आपको उसका टारगेट वो जो टाइम फ्रेम आप यूज़ कर रहे हो उसके हिसाब से रखना होगा। तो फिर ये ट्रेंड लाइन को ऑप्शन के साथ कैसे ट्रेड किया जाता है, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट द्वारा ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।